हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो हमारा न्यू करेक्टर है, थीवा करेक्टर, जो हमारे को लॉगिन रिवॉर्ड में मिलेगा जब हमारा फोर्थ एनिवर्सरी शुरू होगा। तो उसमें आपको फ्री में देखने को मिलेगा ये करेक्टर, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि इसकी एबिलिटी अच्छी है या फिर बुरी है, आपको लेके खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, या फिर एकदम फालतू करेक्टर है जो कि गनीना हमारे को दे रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता भी, जो न्यू करेक्टर हमारा आया था दिमित्री करके, ठीक है ना, वो करेक्टर जो खुद ही रिवाइव हो जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बेकार है। और मैं आपको बताया था मैंने कि मैं आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगा पूरा कि क्यों बेकार है। लेकिन गाइस, उस वीडियो के नीचे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि ये करेक्टर एकदम यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि सबको पता था कि भाई ये करेक्टर एकदम बेकार है, ठीक है, किसी काम का करेक्टर नहीं था। और ये जो न्यू करेक्टर के बाद आने वाला है ना, ये हमारा थीवा करेक्टर, ये उससे भी ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इसकी एबिलिटी समझा देता हूं। तो देखो, जो हमारी ओलिविया करेक्टर थी ना फीमेल वाली, वो आज से कम से कम 2-2.5 साल पहले से, ठीक है, जब से हमारा गेम आया ना, तब से वो करेक्टर है और वो किसी काम की करेक्टर नहीं है, ठीक है। आज तक के लोग उसका यूज नहीं करते हैं, बस ये जो, और ये जो न्यू करेक्टर ना, ये बस मेल करेक्टर है, बस वो फीमेल थी, ये मेल है, बस यही फर्क है। इसका भी सेम काम है, ये रिवाइव करता है सामने वाले को और उसको HP मिलती है, ठीक है। आपके कोई काम नहीं आएगा ज़्यादा, आपके कोई कुछ काम नहीं आने वाला, बस ये रिवाइव करता है सामने वाले को, थोड़ी HP ज़्यादा मिलेगी और उसको मतलब थोड़ी जल्दी रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्लिप के जरिए भी आपको समझा दिया कि मतलब बस 5-6 सेकंड जल्दी रिवाइव कर देता है और बस सामने वाले को HP मिलती है, बस यही फ़र्क है। ये काम ओलिविया भी करती है और ये करेक्टर भी करता है, इसलिए ये करेक्टर आपको फ्री में दे रहे हैं ताकि आप खुश हो जाओ, मतलब कि भाई करेक्टर फ्री में मिला है। हालांकि बिल्कुल यूजलेस करेक्टर है, आप इसको लेओगे बस साइड में पड़ा रहेगा ये, बस और कुछ काम नहीं। तो गाइस, बहुत से लोगों का सवाल था कि मतलब ये करेक्टर डायमंड में आएगा तो हम ले या नहीं ले, तो मैंने आपको बता दिया गाइस, ये फ्री में मिलेगा आपको, लॉगिन रिवॉर्ड पे मिलेगा जो हमारा फोर्थ एनिवर्सरी होगा, ठीक है। और डायमंड लगाने वाला तो कोई करेक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो उसकी एबिलिटी भी मैंने आपको बता दी, ज़्यादा यूजलेस, मतलब एकदम यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, तो आपको खेलना भी नहीं, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो ले लेना। हो सकता है आगे जाके फ्री फायर को कुछ होश आ जाए और उसकी एबिलिटी में कुछ चेंज कर दे, तो फ्री में मिल रहा है तो लॉगिन में निकाल लेना, ठीक है ना। हालांकि यूज़ का तो नहीं है, आप यूज़ तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ले लेना, लॉगिन रिवॉर्ड में मिल रहा है तो ले लेना। तो गाइस, बस आज के लिए बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।